ओके okay, बच्चों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास नाइन फिजिक्स के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इम्पोर्टेंट न्यूमरिकल और इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं जो कि आप कमिंग आने वाले एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं स्पेशली के सेकेंड एनअल और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आगे उनमें पंजाब बोर्ड के रिजल्ट अभी आने हैं और फेडरल बोर्ड का आ चुका है जिसमें काफ़ी हद तक आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जिन बच्चों के मार्क्स सेवेंटी से कम हैं तो इंप्रूवमेंट uh, के लिए आप लोगों को अप्लाई कर चुके होंगे और कुछ बच्चे कर रहे होंगे कुछ बच्चे रिजल्ट uh, का इंतजार कर रहे होंगे तो एनी हम लोग चेक uh, करते हैं यूनिट वन से लेकर यूनिट नाइन तक तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन और टॉपिक्स तो चैप्टर नंबर वन में आपने क्या करना है आपने ब्रांचेस अच्छे से तैयार करनी है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देन आप आगे बढ़ेंगे तो आपने डिफरेंस बिटवीन बेस क्वान्टिटीज एंड डाइव क्वान्टिटीज लाजमी तैयार करना है उसके बाद ये एक टेबल बना हुआ है ये मैं हर बच्चे को कहता हूँ लाजमी रट कर तैयार करके जाओ जिसमें सेवन बेस क्वान्टिटीज हैं उनके यूनिट्स हैं उनके सेम्बल्स हैं उनकी नेम्स हैं प्रिफिक्स प्रिफिक्स मेन मेन तैयार कर लेना आप लोग जैसे गीगा मेगा किलो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको इनके वैल्यूज जो है मेन मेन की याद करनी है Verni, वर्नियल कैरिपल्स और कैलिपर और स्क्रू गेट में आपने इनके लीज काउंट इनका फार्मूला इनके लीज काउंट की वैल्यू मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में जीरो एरर इसी तरह आपको आगे स्क्रू गेट में भी इसी तरह की चीजें मिल जाएंगी मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये दोनों और आपको इसमें लीज काउंट का फार्मूला मिल जाएगा यू कैन सी एंड यू कैन सी कि इसकी वैल्यू सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दोनों में गिवन है जीरो एरर इसमें भी शामिल है तो ये दोनों आपने करने हैं उसके बाद आप बच्चे आ जाएंगे uh, इस चैप्टर के लास्ट में आपको मिल जाएंगे रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स इन द मेजरमेंट ये चार रूल्स हैं विद एग्जांपल ये अच्छे से तैयार करें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए और यहाँ पे है राउंडिंग रौ, द नंबर्स इनके रूल्स हैं ये रूल्स भी अच्छे तैयार करें ये दो रूल्स हैं कंदगड़े पेजेस पर पे आपने लाजमी तैयार करने जहाँ तक इस चैप्टर के क्वेश्चन की बात है तो आप लोगों ने नुमरिकल प्रॉब्लम पहले बताता हूँ नंबर प्रॉब्लम 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है योर हेयर ग्रोथ रेट वाला uh, इसके बाद आप लोगों ने ये लास्ट वाला इसके बाद ये जो है 1.8 और 1.9 पॉइंट ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करने हैं बाकी आपने शॉर्ट के लिए है. और जो क्वेश्चन हैं ये एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स वट इज़ मेड बाय वन ईयर कॉन्सटेंट ये इंपॉर्टेंट है वट इज मैंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अम ये आपको उन रूल से मिल जाएंगे जीरो एरर क्यों जरूरी है मतलब ये जो क्वेश्चन हैं ये वाले आ, जो थोड़े बहुत तीन चार पांच लाइनों में आप लिख सकते हैं तमाम तैयार करके चाहें मेरा मशवरा ये कि जो रिव्यू क्वेश्चन कहलाते हैं ये सारे तैयार करें इनमें कोई आप लोग चांस ना लें इसके बाद आप बच्चे आ जाएंगे यूनिट नंबर टू पे कैनामेटिक्स पे टाइप्स ऑफ मोशन अच्छे से तैयार करें जिसमें ट्रांसलेटरी लीनियर रैंडम सर्कुलर रोटेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन सारा शामिल हो जाएगा विद एग्जाम्पल प्लस इसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा स्केलर्स एंड वैक्टर्स में डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वैक्टर क्वान्टिटीज पोजिशन की डेफिनेशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ये सब में डिफरेंस आपने लाजमी करके जाना है इनका मतलब फार्मूला यूनिट डेफिनेशन में ही डिफरेंस कवर हो जाएगा उसके बाद आप बच्चों ने स्पीड एंड एसेलेशन में स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी इस तरह फिर आपके पास लास्ट में आ जाएगा एसेलरेशन ये वाली एग्जांपल भी करनी है आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है एक्सलेशन अच्छे से तैयार करिएगा डीएसलेशन भी आ जाएगा यूनिफॉर्म एसोलेशन ये लास्ट में डीएसलेशन मिल जाएगा आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड मूविंग विद वेरिएबल स्पीड ये इनके ग्राफ की जो शेप है वो लाभ याद करके जानी है आपने इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड वगैरह ये सब चीजें इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो थ्री इक्वेजन ऑफ मोशन है ये तीनों आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार करके जानी है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इस दफा जो एग्जाम हुए हैं उसमें आपके पास सेकेंड इक्वेशन आई थी लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पक्का रट्टा लगा के पक्का करके जाएं समझ के जाएं इसके बाद आपके पास यहां से थैंक uh, यू यहां से इसके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहां से 2.2 से यू रिव्यू क्वेश्चन ये सारे करने हैं ये वन वन टू टू लाइनर्स हैं ये लाजमी आपने सारे करने ऑल ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे आपके एक्स जो क्वेश्चन आते हैं पेपर के दौरान वो सारे कवर हो सकते हैं ये ये भी शामिल है प्रॉब्लम्स आप फर्स्ट सिक्स करेंगे फर्स्ट सिक्स प्रॉब्लम सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ये फर्स्ट सिक्स प्रॉब्लम्स। यूनिट नंबर थ्री पे आ जाएं बच्चों आप लोग डायनामिक्स पे स्टडी ऑफ मोशन एंड कॉजेस अच्छा ये मैं शुरू में बताना भूल गया कि ये आपने जो तो पिंक बॉक्सेज हैं ये पिंक बॉक्सेज आपको नजर आ जाएंगे ये जैसे फोर्स की डेफिनेशन है आगे इनर्शिया की आ जाएगी आपने पिंक बॉक्सेस सारे करने हैं पिंक बॉक्सेस ये ऑल करने हैं ऑल कंप्लीट बुक पिंक बॉक्सेस आपने किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो वो कोई भी पिंक बॉक्स छोड़ के नहीं जाना चाहे वो फेडरल ब्रावल पिंडी लाहौर गुजरा वाला फैसलाबाद कश्मीर जो मर्जी बुक हो आपने जो मर्जी बोर्ड हो वो आपने पिंक बॉक्स लाजमी करना है मोमेंटम इसका फार्मूला यूनिट और डेफिनेशन न्यूटन लॉज नेट फोर्स की डेफिनेशन यहां से करनी है और इसका लॉ नीचे लिखा हुआ होगा पिंक बॉक्स में आता है तो वो कवर हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली न्यूटन सेकेंड लॉ लॉन्ग के लिए कन्वर्ट कवर uh, करना है आपने इसका डेफिनेशन इसकी डेरिवेशन uh, के साथ सेकेंड लॉ लॉन्ग के लिए बच्चों मैस एंड वेट में डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट थर्ड लॉ की डेफिनेशन और एग्जाम्पल एग्जाम्पल बैलून की दे दें रॉकेट की दे दें टेंशन एंड एसोलेशन के जो दोनों केसेज हैं वो लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं बोथ केसेस तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहला केस में दोनों हैंग हुए में और दूसरे केस में एक टेबल पर है और एक हैंग हुआ हुआ है. यह आप बच्चों ने लाजमी करना है फोर्स एंड मोमेंटम इंपॉर्टेंट तीसरा चैप्टर आई थिंक के आप लोगों को सारा करना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन आ जाएगी मोमेंटम की डेफिनेशन आ जाएगी डायग्राम आ जाएगी ये तीनों डायग्राम में आ जाएंगे और यहां से लेकर जैसे ये यह, यहां से लेकर यहां तक इसका प्रूव हो जाएगा ठीक हो गया और नीचे आपका इस पैराग्राफ से इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी लाजमी एग्जाम्पल करनी है गन एंड बुलेट वाली एग्जाम्पल होगी ये तमाम आ, यहां तक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्लस एग्जाम्पल ऑफ गन एंड बुलेट फ्रिक्शन की डेफिनेशन इसके यहां पे भी काफी डेफिनेशन आ जाएंगी कोल्ड वर्ल्ड की डेफिनेशन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन इसका फार्मूला ये भी फार्मूला यूनिट आगे है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन यहां पर लिखे हुए होंगे कहीं पे चले देखते हैं ये बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड स्कीडिंग से लाजमी क्वेश्चन करना है कि एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास एक टर्न है उसमें आउटर एज ऑफ द रोड इज कैप्ट स्लाइटली हायर देन द इनर एज ऑफ द रोड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं हूँ आउटर एज ऑफ द रोड इज कैप्ट स्लाइटली हायर देन द इनर एज ऑफ द रोड इसका आंसर है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेंटिबिटल फोर्स फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लाजमी करने हैं और ये इसके मेथड्स लिखे हुए हैं कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस दफा भी पेपर में आए थे आपने भी अपने पेपर के लिए तैयार करने हैं सेंट्रीपिटल फोर्स डेफिनेशन फार्मूला सेंट्रिफिकल फोर्स वही होती है जो सेंट्रिपिटल होती है लेकिन इसका माइनस आ जाता है बस एम वी स्केयर बाई आर अच्छा जी रिव्यू क्वेश्चन ये यहाँ से शुरू हो जाएंगे डिफाइन दैट फॉलोइंग टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे रिव्यू क्वेश्चन सारे करने हैं आपने ये सारे करिएगा और आपके पास जो नमेरिकल्स हैं यहाँ नीचे भी मौजूद हैं नुमेरिकल्स हैं वो आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ ये छोड़ दिएगा ये एट नाइन्थ और टेंथ ठीक हो गया तो आपने सेवन और सिक्स छोड़ देना बाकी सारे करने हैं यूनिट नंबर फोर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अगेन पिंक बॉक्स डेफिनेशन लाजमी पैरल पैरल ये लाजमी एडिशन ऑफ फोर्सेस हैड टू टेल रूल इंपॉर्टेंट शॉर्ट में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लॉन्ग के लिए कंप्लीट टॉपिक इसमें ये सारा शामिल है यहां तक डायरेक्शन तक अच्छा जी आगे है टॉर्क और मूवमेंट अच्छे से तैयार करना इंपॉर्टेंट है आपने इसे टेक्निकली तैयार करना है जैसे ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो आपने डेफिनेशन फार्मूला यूनिट इसके फैक्टर्स और एक दो कंडीशन लिख देनी है बस डायग्राम के साथ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की डेफिनेशन ये सारे पिंक बॉक्सेस कवर करने लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कपल की डेफिनेशन आ जाएगी इक्विबियम बहुत इंपॉर्टेंट है अब इक्लोबियम के दो केसेस आ जाएंगे नीचे कंडीशंस आ जाएंगी फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन और साथ आ जाएगा नीचे आपके पास इसकी टाइप्स स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्लोबियम तो ये सारे करने हैं इसके अगेन आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 4.2 से शुरू होगी और ये 4.14 तक जाएगी 4.14 तक जाएगी अच्छा नुमेरिकल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये रहन देगा नाइन और एट अच्छा ये नुमेकल आ भी जाए ना ये वाला तो बहुत आसान है थ्री पॉइंट एट और फोर पॉइंट फोर को ऐड करना है तो एट पॉइंट टू आंसर आ जाएगा ग्रेविटेशन चैप्टर फाइव वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्ड और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉन्ग के लिए इसमें से एक लॉन्ग लाजमी आता है अगर दरमियान से क्वेश्चन ना भी आए तो अमेरिकल आ सकता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इज मैस ऑफ अर्थ इस बार पेपर में आया था आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स ये मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटलाइट ये सारा लॉन्ग में आया होता है इस दफा ये 5.2 से लेकर 5.17 तक सारे पार्ट्स करने हैं उसके बाद आप लोगों ने प्रॉब्लम्स चैप्टर फाइव की ऑल प्रॉब्लम्स करनी है इसमें एक सिंगल प्रॉब्लम भी छोड़ के नहीं जानी ये सारी करनी है इसकी यूनिट नंबर सिक्स एनर्जी एंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा ये वर्क से अब वर्क में आपने उसकी डेफिनेशन फार्मूला उसका यूनिट न्यूटन मीटर और जाउल ये लिखा हुआ है ये यूनिट भी लिखा हुआ है बस इस तरह की चीजें तैयार करनी है एनर्जी में जस्ट डेफिनेशन हां कानेटिक एनर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये पूरा प्रूफ है छोटा सा पेपर में बहुत आता है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये छोटा सा प्रूफ दो तीन लाइनों का अच्छा ये अच्छे से तैयार करिएगा इस दफा आ, एनर्जी हीट एनर्जी साउंड एनर्जी केमिकल एनर्जी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो आगे मैस एनर्जी इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट इनको याद करने के लिए आसान तरीका बना हुआ है कि इधर से इधर चाहें केमिकल से हीट हीट से पोटेंशियल पोटेंशियल से मैकेनिकल मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल ये चीज़ें तैयार करनी है आपने आखिर में पावर आना चाहिए पावर मैं ढूंढ रहा हूँ हाँ ये एफिशिएंसी इम्पॉर्टेंट है फार्मूला यूनिट वगैरह और पावर इम्पोर्टेंट है पावर शॉर्ट के लिए और पावर का एक फार्मूला होता है पीज़ इक्ल टू एफ इन टू वी उससे न्यूमेरिकल भी होता है बताता हूँ आपको अच्छा जी अगेन हम लोग चले जाएंगे 6.2 से लेकर 6.10 16 तक तमाम शॉर्ट और नोमरिकल में आपने नोमरिकल नंबर वन टू थ्री इसमें ये लास्ट नोमेरिकल को छोड़कर बाकी सारे नोमेरिकल करने हैं नाइन एट फोर फाइव सिक्स सेवन ये तमाम नोमेरिकल करने हैं यूनिट नंबर सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसमें सॉलिड स्टेट के तीन तीन पॉइंट लिक्विड के तीन पॉइंट गैसेस के तीन चार पॉइंट और प्लाज्मा के तीन चार पॉइंट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्या क्या डिफरेंस है इसका डेंसिटी की डेफिनेशन फार्मूला यूनिट प्रेशर की डेफिनेशन फार्मूला यूनिट अब इसके बाद Pressure in liquids, very important. Very important, pressure in liquids. What is proof? Hai. Pascal law, important. Sara. और प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए ये तमाम जो बता रहा हूं वो लॉन्ग के लिए सातवें चैप्टर में से लॉन्ग आता है इसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन शॉर्ट के लिए डेफिनेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन स्ट्रेस की डेफिनेशन स्ट्रेन की डेफिनेशन होक्स लॉ और यंग डबल स्लिट सॉरी यंग मॉडुलस, वेरी इंपॉर्टेंट ये इसका कंप्लीट प्रूफ अगेन 7.2 से लेकर 7.23 तक तमाम एक्सरसाइज और प्रॉब्लम्स आपने प्रॉब्लम नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नहीं करनी एट ट्वेल्थ ये रहने देनी है अपने और ये रहने देनी है ठीक हो गया इसके बाद यूनिट एट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टेम्परेचर की डेफिनेशन हीट की डेफिनेशन ये प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीटर अ गुड थर्मोमीटर बस टाइप दीज प्रॉपर्टीज दीज क्वालिटीज ये आपने लाजमी करना है टेम्परेचर स्क्वेल स्केल्स लाजमी सारों की कन्वर्जन आनी चाहिए बच्चों आप लोगों को क्योंकि आप सेल्सियस सेंटीग्रेड में कैसे जाते हैं फेरनाइट में कैसे जाते हैं कैलविन में कैसे जाते हैं कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के लिए इनके फार्मूला वगैरह सारे हैं ये सारे करने हैं स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन फार्मूला डेफिनेशन और फार्मूला हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन और फार्मूला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन फार्मूला लैटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन की डेफिनेशन फार्मूला evaporation उसके factors plus factors ये अच्छे से करिएगा thermal expansion thermal expansion में जो दो topics हैं एक ये बहुत important है most important और एक ये बहुत important है दोनों similar हैं बस L और V का फर्क है इसमें प्रॉब्लम्स पे आते हैं 8.2 से लेकर 8.11 तक सारे शॉर्ट देन 8.1 8.7 8.2 8.3 न्यूमेरिकल नंबर फोर फाइव ये सारे करने एंड लास्ट ट्रांसफर ऑफ हीट यूनिट नंबर नाइन लास्ट इसके आपने पिंक बॉक्सेस इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी लॉन्ग के लिए ये पूरा लॉन्ग में इसका प्रूफ है थर्मल कंडक्टिविटी का कन्वेक्शन का रेडिएशन ये दो स्केमेरिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट दो ही हैं और है ही नहीं दोनों आप करिएगा उसके अलावा जो है एक्साइज क्वेश्चंस तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट है